अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। जस्टिस मुनीर के वक्त सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द महज एक नज़रिया ज़रूरत की बाज़गश्त थी, एक नज़रिया ज़रूरत। ताकत की देवी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी बाहों में भर लिया था और अदलिया मजबूर महज हो गई थी। अब एक नज़रिया ज़रूरत का मामला नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात ज़रूरत, यानी एक से कई ज़्यादा नज़रिया ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। ये नज़रिया ज़रूरत या ये नज़रियात ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार पे मंडरा रहे हैं। आज जबकि लोग मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मंतज़र हैं, और अब जबकि कॉजलिस जारी हो गई है और सुबह 9:30 बजे कल हम इसका फ़ैसला सुन पाएंगे और हमें ये मालूम हो सकेगा कि पाकिस्तान जो इनकलाब के दहाने पर खड़ा है और आवाम जो मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसलों के मंतज़र हैं, वो अपनी आरज़ुओं को पूरा होता हुआ देखेंगे या नज़रियात ज़रूरत के मंडलाते हुए सायों में एक दफ़ा फिर मायूसी के शिकार हो जाएंगे। इस सब से हटकर आज का दिन और भी बहुत सारे वाक़यात की बाज़गश्त हमें सुनाता है। आज जस्टिस जहांगीरी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर के फैसले ने लोगों को हक्का बक्का कर दिया है। यही नहीं, आज ही के दिन हम सिविल मिलिट्री मामलात के हवाले से एक अहम तरीन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत को देखते रहे, जब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक ख़ास राय के साथ पूरी कौम वहाँ की होने वाली समाअत की तफसीलात को जानने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर भी दो जजों के दरमियान एक रद्दोकदा की सूरत थी, वही रद्दोकदा जो हम मखसूस नशिस्तों के केस में दो तरफ बटे हुए जजेस के दरमियान देखते आए हैं। एक अहम तरीन मामला और भी हैं, और वो ये कि नैब तरामीम के मामले में इमरान खान का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुका है और नैब तरामीम के हवाले से चीफ जस्टिस साहब क्या फ़ैसला करते हैं या वो बेंच क्या फ़ैसला करता है, ये भी हमारी कौमी सियासत पर इंतहाई अहम असरात मुरतब करने वाला है। लेकिन कल जब हम फैसला सुन रहे होंगे तो पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन फैसले भी अदलिया के उस फैसले के साथ हो जाएंगे। 13 रुकनी बेंच आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बुरी तरह तकसीम का शिकार है। इसमें पहला मामला तो ये है कि ओपन कोर्ट में जो ट्रायल हुआ है इस केस का, उसमें अवामी छवि की हद तक ये वाज़े हैं कि ओपन ट्रायल कोर्ट में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, ये केस वो इस हद तक तो जीत चुके हैं। लेकिन क्या बंद कमरों में होने वाले फैसले तारीकियों में पलने वाली मखलूक के साथ ज़िंदा रहने वाले वो कौम या वो मखलूक जो आम तौर पर पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों को चाट लेती है और मखसूस हालात में मखसूस फैसलों के साथ नज़रिया ज़रूरत की मखलूक बनकर ज़ाहिर होती है, वो इस फैसले को उचक लेने में कामयाब हो जाएगी, इसका अंदाज़ा हमें कल हो सकेगा। कल क्या फ़ैसला आता है इससे क़त नज़र इस फैसले के साथ मुंसलिक कुछ हकायक ऐसे हैं जो हमारे सामने बिल्कुल वाज़े हैं। पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अवामी नज़रों में बहुत बुरी छवि के साथ ज़ेर बहस आ रहे हैं। सही है या गलत, इससे क़त नज़र कल ये फ़ैसला हो जाएगा कि इस फैसले के साथ अवाम किस तरह अपना रद्दअमल देते हैं। लेकिन आज का दिन भी इस हवाले से इंतहाई अहम है कि जब ये फ़ैसला होने जा रहा है और कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, पहली बार वकला रद्दअमल देते हुए सड़कों पर इस्लामाबाद की निकल आए हैं और रेड जोन में एक हलचल पैदा हुई है। वकला आज जब सड़कों पर आए तो इसका मतलब ये था कि वो एक तवील इंतज़ार के बाद, एक सबर आजमा वक्त गुजारने के बाद अब सड़कों पर आना शुरू हुए हैं और ये वक्त इंतहाई अहम है। एक ऐसे वक्त में वकला बाहर आए हैं जब
मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियंस के एक केस ज़ेर समात है, जब नैब तरामीम का मामला भी अदालत में ज़ेर समात है, और जब अगले ही रोज़ कॉज लिस्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला भी सुनाया जाना है। तो वुकला ने एक इंतहाई अहम मौके पर अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर करते हुए एहतजाज के इशारे दिए हैं। अब ये बात इसलिए भी अहम है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी बेंच जो है, फुल कोर्ट जो है, उसमें मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रिमार्क से जो एक तकसीम बन रही है और जो वाज़ह हो रहा है उसमें ये कि अक्सरियत उस फैसले के साथ नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स के साथ मंसूब की जा सकती है। यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की 9 समातों के दौरान जिस किस्म का रवैया ज़ाहिर किया है, जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, या वो माजी के जिन फैसलों के हवाले से अपनी छवि बना चुके हैं, उन फैसलों के साथ उनकी बनने वाली छवि से इस फैसले के हवाले से जो मुतवक्को उनकी पोजीशन हो सकती है, उस पोजीशन के साथ कम से कम अक्सरियत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है और ये राय इसलिए बन रही है कि चीफ जस्टिस साहब आम तौर पर ये शोहरत रखते हैं कि वो केस की समातें जल्द करने और उसका फ़ैसला भी जल्द सुनाए जाने के आदी हैं, लेकिन हमने इस केस के मामले में देखा कि लंबा एक फ़ासला दिया जाता रहा, तारीख़ें बहुत फ़ासले से दी जाती रही और कई हफ़्तों तक इस केस को फैला दिया गया, जबकि शुरू में कहा गया था कि इसको रेगुलर समातें होंगी, बिलानागा समातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर एक दूसरा पहलू ये है कि जब ये केस अपने इख्तिताम को पहुंचा और आखिरी दिन जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब और राजा सलमान अकरम साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके तो और जो उन्होंने को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया था, तो तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही थी कि कुछ ही देर में इसका फ़ैसला आ जाएगा और जजों की अक्सरियत शॉर्ट ऑर्डर देने की हद तक उसी रोज़ माइल भी थी। ये बात सुनी गई, अगरचे माइक बंद कर दिए गए थे मगर सुनी गई, और जब तक ये समात बरहराज दिखाई जा रही थी तो ये देखा भी जा रहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मुंह से कुछ अल्फाज अदा कर रहे हैं। बाद में वहाँ मौजूद लोगों ने गवाही दी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि हमें शॉर्ट ऑर्डर आज ही सुना देना चाहिए। ये बात इसलिए भी अहम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिस माशरे में जीते हैं, उस मुल्क और माशरे में दबाव बुनियादी आमिल होता है किसी भी फैसले का। आम तौर पर हम अपनी अदलिया की जिस तारीख से आगा है और ख़ुद जजेस रिटायरमेंट के बाद उस तारीख का एक तरह से हवाला बन जाते हैं और गवाह होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह उनके फ़ैसलों पर मुख्तलिफ किस्म की गैर मरई कुवतें असरअंदाज हुई और साए किस तरह सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द मंडलाते रहे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द ताकतवर हलकों की एक निगाहें होती है और उनका हाथ और पांव दोनों इसके इर्द गिर्द हरकत कर रहे होते हैं। तो आम तौर पर जजेस जो एक पोजीशन लेना चाहते हैं, जो तब्दीली की एक मुहर्रिक कुव्वत होते हैं और समाज के अंदर एंटीथेसिस के हवाले से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो काम हो वो बरवक्त हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीख भी ये रही है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जितने भी फ़ैसले उन्होंने किए हैं उसमें उन्होंने बिला ताखिर फ़ैसले दिए हैं, और समाअत ख़त्म होने के बाद ये तो हुआ है कि उन्होंने कुछ वक्त दिया हो, लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने कैलेंडर की तारीख को बदलने दिया हो, बल्कि आम तौर पर वो थोड़ी देर के बाद इसका शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया करते हैं। लेकिन इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ, चीफ जस्टिस ने ख़ुद इस मामले को अलतवा का शिकार किया और कहा कि इसका और ये नहीं बताया कि वो कब ऑर्डर जारी करेंगे शॉर्ट ऑर्डर। एक दिन गुजर गया, अगले दिन हमें ये पता चला कि एक मुशावरती इजलास हुआ है, और दूसरे दिन भी हमें यही पता चला आज के दिन कि आज भी एक मुशावरती इजलास हुआ है, और अब पहली कॉज लिस्ट के बाद दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कल सुबह 9:30 बजे इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे पस मंज़र में ये राय अख्स की जा रही है कि अगर फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आ रहा होता या पीटीआई के ख़िलाफ़ आ रहा होता या अक्सरियत इसके ख़िलाफ़ होती
तो ये फैसला भी शॉर्ट ऑर्डर की सूरत में उसी रोज़ जारी हो जाता, मगर चूँकि इसको अल्तवा का शिकार किया गया तो ये इसका सबब भी यही था कि अक्सरियत दरअसल उस तरह नहीं सोच रही थी जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब अपने रिमार्क से अपने जहन को जाहिर कर चुके थे। अब हकायक कुछ भी हों लेकिन बहरहाल कल सुबह जब ये फैसला आएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान की तारीख क्या नई करवट लेती है। इस फैसले के साथ मुंसलिक जो हकायक है वो ये कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब ने एक जुडिशल पैकेज की बात की है। ये दरअसल जुडिशल पैकेज नहीं है बल्कि आइनी तरामीम का एक पूरा पैकेज है। दो तहाई अक्सरियत अगर मिल जाती है, यानी ये मखसूस नशस्तें जिस तरह है उसी तरह रहती है, और ये मखसूस नशस्तें जो है वो जिस तरह एक बंदर बाट की गई हैं और मौजूद जजेस की ज़बान से ही अगर अल्फाज लिए जाएं तो जैसा कि उन्होंने इसे माल गनीमत कहा है, माल गनीमत की तरह बांट दिया गया है। बल्कि माल गनीमत भी क्या है, माल गनीमत तो वो माल होता है जिसमें आप एक जंग जीतते हैं और उसके बाद जो हरीफ का माल होता है वो आप बटोर लेते हैं। यहाँ तो जंग जीती भी नहीं गई, यहाँ तो एक ज़बरदस्ती है, एक सीना जोरी है, और जो अल्फाज मज़ीद इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो शायद गैर पार्लिमानी हों। तो बहरहाल उस माल को हथिया लिया गया है और उसमें ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है और उसके लिए ऐसे ऐसे हीले घड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहाने तराशे जा रहे हैं कि जो जब ज़बानें वो बहाने बयान करती है तो सुनने वाले कान शर्मिंदा हो जाते हैं। मगर बहरहाल हम इस पर क्या रायज़नी करें, ताकतवर हलकों और अदलिया में बैठी हुई नज़रियात ज़रूरत की मुख्तलिफ देवियाँ यही चाहती हैं। तो बहरहाल अब देखना ये है कि वो जजेस जो इस मामले में कोई मुज़ाहमत दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के कोई तर्जुमान बने हुए हैं, या जो आईन की असर रूह के मुताबिक इस पूरे मामले की तशरीह करना चाहते हैं वो इस मामले में गालिब आते हैं और ज़्यादा तादाद के साथ कोई फ़ैसला करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, कल ये वाज़ह हो जाएगा। लेकिन आज के दिन तक सूरतेहाल ये है कि आज रेड जोन के अंदर एक हलचल रही और वो हलचल ये थी कि वकला मैदान में आ गए हैं और वकला ने मैदान में आकर जो तेवर दिखाए हैं वो हैरान कुन है। पहली मर्तबा इस पूरे अरसे के बाद, यानी आप ये कह सकते हैं कि 9 मई के बाद जो फैसला कुन कुवतों के लिए अगर कोई दिन मानी खेज है तो वो आज का दिन है। 9 मई के बाद पीटीआई जो अवामी अक्सरियत रखती है, अवामी हिमायत रखती है और बहुत लार्ज स्केल की वो हिमायत है, वो इतनी बड़ी हिमायत है कि उसका इनकार ही मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ हैं। तो इसके बावजूद हकाइक को मोड़ने और अपनी मर्ज़ी के हकायक तख्लीक करने के लिए जो ज़ोर जबर और जो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उस ताकत के इस्तेमाल के साथ 9 मई के बाद एक नई दुनिया बना ली गई थी और जिसमें ये मुमकिन नहीं रहने दिया गया था कि कोई आवाज़ बुलंद हो। अब वकला ने एक बार फिर हालात को बदलने के लिए अपनी करवट ली है और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करते हुए उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो खासे मानी खेज है। पहली दफ़ा गो काजी गो का नारा लगा है वहाँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये नारा यकीनन अंगारों पे लौटने का बाइस बन सकता है। और इसी तरह इमरान ख़ान के हक में नारे लगे हैं, इमरान ख़ान को रिहा करो के नारे लगे हैं। ये बात इसलिए मानी खेज़ है कि कल फैसला सुनाया जाना है और इमरान ख़ान ने एक और ऐलान भी कर रखा है, वो ये कि उनके साथ होने वाले ज़्यादतियों पर अब वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। यूँ अगर आप इन तमाम वाक़यात को एक लरी में पिरोएं और इन तमाम वाक़यात के साथ रफ्तार हालात में तरतीब वाक़यात के एक मानी खेजी तलाश करने की कोशिश करें तो आपको ये नज़र आएगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम तरीन मुकदमात फैसल होने जा रहे हैं, उनमें एक सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस हैं, इसी में एक नैब तरामीम का केस शामिल है और इसी में वो केस है कल का जो मखसूस नशस्तों का है जिससे ये तायुन हो जाएगा कि हुकूमत दो तहाई अक्सरियत रखती है या नहीं। और जो हुकूमत एक आइनी तरामीम का पैकेज लेकर आना चाह रही है जिसमें बहुत अहम तरीन मनासिब के लोग जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं उनको 3 साल की मुद्दत मज़ीद दे दी जाए, अगर गौर किया जाए तो अब
चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 106 या 4-5 दिन रह गए हैं और इन 104-5 दिनों को लोग उंगलियों पर गिन रहे हैं। जब चीफ जस्टिस कादी फाइजी साहब रुखसत हो रहे होंगे तो तारीख में उनके मकाम का तायुन और इस पर मज़ीद खुलकर बात हो सकेगी। लेकिन अभी जबकि वो इस अहम तरीन फैसले का हिस्सा है, इमरान ख़ान ने नैब तरामीम केस में जो अपना जवाब जमा कराया है उसमें बहुत सारे मानिखेज निकात के साथ उन्होंने जस्टिस काजी फाइजी साहब पर अपने अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया है। वाज़ह रहना चाहिए कि इमरान ख़ान ने अब तक जस्टिस काजी फाइजी साहब पर किसी भी केस में अदम एतमाद नहीं किया था। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें ज़रूर थी और चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब जो हर मामले में पीटीआई के केस को अपने पास रखते थे, पीटीआई से मुतालिक जितने भी केसेस थे वो चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ज़रूर अपने पास रखते थे, जो बेंचों की तश्कील होती थी और तमाम फैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ किए थे। और पीटीआई और चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब के दरमियान एक बैकग्राउंड भी है कशीदा हालात का, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ने आला अखलाकी ग्राउंड को लेते हुए ख़ुद को इससे अलग नहीं रखा था और वो तमाम फैसले उनके ख़िलाफ़ किए थे। फिर भी पीटीआई और इमरान ख़ान उन पर अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे थे। ये पहला मौका है कि जब इमरान ख़ान ने अब काजी फाइजी साहब के हवाले से अदम एतमाद ज़ाहिर कर दिया है। यही नहीं बल्कि आज बुकला मैदान अमल में भी आ गए हैं और उन्होंने गो काजी गो के नारे भी लगा दिए हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि इमरान ख़ान की रिहाई के भी उन्होंने नारे लगाए हैं और भी बहुत सारे नारे लगे हैं जिसका मैं जिक्र करना बवजूद मुनासिब नहीं समझता, मगर वकला के ये नारे कल के का फैसला और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमात चंद दिनों में फैसल होने हैं, अदलिया में मुख्तलिफ जजेस की पोजीशन, ये वो फैसला कुन अवामिल होंगे जिससे ये अंदाज़ा हो सकेगा कि मौजूदा हुकूमत क्या बहुत अरसे तक बरकरार रह पाएगी। ये भी फैसला हो सकेगा कि मौजूदा जबर का माहौल बरकरार रह पाएगा या नहीं। लेकिन एक कशमकश उरूज पर पहुंच गई है, ये कशमकश सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आएगी इस फैसले के बाद, ये कशमकश इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी मुंतकिल होगी जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के मामले में आज जस्टिस आमिर ने फैसला किया है। और अब ये कशमकश सड़कों पर भी नज़र आएगी, जैसे कि वकला ने आज एहतजाज किया और पीटीआई के अरकान ने उस एहतजाज को इस तरह ज्वाइन किया कि वो असेंबली का इलाज छोड़कर उस एहतजाज में आ गए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई की तरजीहात क्या है। उन्होंने असेंबली का इलाज छोड़ दिया और वो इस एहतजाज का हिस्सा बन गए। इंतज़ार हो रहा था 9 मई के बाद पीटीआई अवामी तौर पर एक एहतजाज का माहौल बनाना चाह रही थी मगर मखसूस हालात में वो बना नहीं पा रही थी। ऐसे में अगर वकला का ये एहतजाज ज़मीन पर अपना रंग दिखाने लगा तो पीटीआई इस एहतजाज का हिस्सा ज़रूर बनेगी और ये हिम्मत देगी पीटीआई के उन कारकुनान को, जिसके बाद पीटीआई के कारकुनान भी इस पूरे खेल के खिलाफ मैदान अमल में कूद पड़ेंगे। तो कल का फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, कल जब ये फैसला हो जाएगा तो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए यही कुछ, मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।